कंपनी से जितेन सिंह आया हूँ। मैं धानिया कंपनी का धान MC13 जो मैं बता रहा हूँ, MC13 धान, हमारा धान इतना रटरट्टा बोझ है, इस धान को आप देखेंगे। अब हर किसान भाई से बोलूँगा कि 10 से 15 दिन का धानिया का MC13 धान है। इस धान का खासियत चमत्कार नहीं है, ना कोई जादू नहीं इसका। मैं सबके सब पहले आप लोगों को विश्वास दिखाने के लिए इस धान को लेके आया हूँ। मेरे पास धानिया का धान MC13 MC13 धान लाया हूँ। MC13 धान को MC13 धान को मैं आपके सामने इसमें से दो डब्बा इसमें नाप रहा हूँ, ठीक है। दो डब्बा धान नाप रहा हूँ। इस दो डब्बा धान की वजन आपके सामने तौल के बताऊँगा। आइए बेटा इधर रखो, कैसे चल चल कर। हाँ, इस धान के वजन को रखिए आप, रखो। ओके बाबू, ये कितना आया? 540 ग्राम। कितना आया? 540 ग्राम आया। उसी प्रकार आपके पास मैं अन्य धान वाले से आप लोग जो अपने खेत में कमाए हो उसको दो डब्बा लेता हूँ। कितना? दो डब्बा। इसको पकड़ो बाबू, लिखो। दो डब्बा धान को लिया और आपके सामने नाप के बताया, कितना? दो डब्बा। वो कितना आया? 540 ग्राम है ही नहीं है। और ये आपका अन्य धान को नाप के उसको रखो बेटा, कितना आएगा? 500 ग्राम। मतलब हमारे दो डब्बा धान में कितना आया अंतर? 40 ग्राम। अगर 40 ग्राम हम लोग धान आते हैं तो हमारे धान कितना वजन है? 40 ग्राम। यदि हम इस धान को कमाते हैं MC13 तो हमारे सीधा सीधा उत्पादन 5 से 6 क्विंटल ज़्यादा आएगा। दोनों का वजन देखने के बाद इसकी वजन कितनी अच्छी है, रटरटा बोझ होने के कारण इस धान को हम लोग MC13 धान कितना दिन में पकता है? 115 से 120 दिन में टिकरा धान होता है। उसके बराबर आज के धान में कोई नहीं धानिया का, ठीक है। थैंक यू।